उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारी लगातार जारी है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि वर्ष 2013 में आई आपदा में केदारपुरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिये, तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। और दोनों धाम हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, वहाँ पर मौसम की विकटता रहती है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं कतिपय बार, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो हमारी वहाँ पर कार्यदायी एजेंसियाँ हैं, निर्माण एजेंसियाँ हैं, वो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य सम्पन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में होंगे।